हम लोग ग्राउंड लेवल पे जाके वो काम कर रहे हैं, बट अगर कुछ ऐसा सपोर्ट हो सके तो आप प्लीज करिए। उन्होंने बोला ठीक है, मेरे तरफ से जो सपोर्ट हो सकता है मैं करता हूँ। प्लस उन्होंने और भी लोगों से सपोर्ट करवाया, उनकी उनसे फोन करके बोला कि भाई इनको जाके सपोर्ट करो HFF को। सो आई एम रियली रियली वेरी थैंकफुल परेश भाई फॉर योर सपोर्ट। और एनी टाइम जब भी कुछ चाहिए हो, इवन हील सेंटर्स में बच्चों के लिए इज एवर रेडी कि बच्चों को फूड बॉक्सेस चाहिए, जो भी चाहिए मुझे पता मैं भिजवा दूंगा। और भी कोई हेल्प चाहिए तो बता। थैंक यू सो मच परेश सर, इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आपका। हाउ यू डूइंग? परफेक्ट सर, थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट जॉब सर, थैंक यू। ऑलराइट गाइस, ये सब क्या चल रहा है? एनीवेज, जो ये काम कर रहे हैं उनके सामने हम तो एनीवेज, जो कुछ हमसे छोटा, जो भी कुछ थोड़ा बहुत बन पड़ा वो हमने किया है। लेकिन नावेद जी, जो ये आप पढ़ाने का काम वगैरह करते गरीब बच्चों को वगैरह, लेकिन आपको शायद एक बात पता होगी कि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता है। तो हमने नवी मुंबई में 5 कॉम्बो जम्बो के वेज आउटलेट खोले हुए हैं, दैट इज अवर रेस्टोरेंट, चेन ऑफ रेस्टोरेंट। और आज के बाद आप उनको पढ़ाइए, हम उनको खाना देंगे। क्या बात, क्या बात है। हाँ, HFF के स्टेज पे अन्नदान शिक्षा दान दोनों हो रहे हैं। वन मोर थिंग, आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर, एंड जो आप कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, जस्ट कीप इट अप, थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट, थैंक यू, थैंक यू सो मच परी सर, थैंक यू सो मच सर। आई रिक्वेस्ट पंकिल गाला टू प्लीज कम अपॉन द डायस फ्रॉम द प्रोजेक्ट आपने शुरुआत किया है, उसका SPA के बारे में कुछ बताएंगे हमारे ऑडियंस को, ताकि हम उनके मेंबर्स को भी शुरू करेंगे हमारे डायस पर। भाई किस किस को पैसे कमाने हैं, कौन इतना अमीर है जिसको नहीं कमाना है? और सिंपलीफाई करूं, हम लोग ने एक सुपर पावर अलायंस करके एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, जहां पे हर कोई अपना अपना बिजनेस आके, सारे बिजनेसमैन कनेक्ट होते हैं, कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स होती है, हम लोग खुद उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, और वो लोग खुद का जो बिजनेस एग्जिस्टिंग कर रहे हैं या जिस प्रोफेशन में है वो वहां पे लोग प्रमोट करते खड़े होकर, और जो बाकी जितने लोग वहां बैठे होते हैं वो उसको बिजनेस देते हैं। इस तरह का एक फॉर्मेट हमने बनाया है नवी मुंबई में। ऑलरेडी हम लोग ने 2 उसके ग्रुप्स शुरू किए हैं, मीरा रोड में शुरू हो रहा है, उल्लासनगर में, कांदीवली में, काफी जगहों पर शुरू हो रहा है। तो आप में से जितने भी लोगों को अपना खुद का बिजनेस प्रमोट करना है, क्योंकि ये भी एक सोशल वर्क ही हो गया मेरे ख्याल से, इतनी बुरी हालत में अगर बिजनेस मिल रहा है, अगर कहीं से किसी को आता नहीं थे, तो अपने आप में एक सोशल वर्क ही है। तो आप लोग जिसको भी अपना बिजनेस प्रमोट करना है, मुझे या मेरी SPA की टीम को आप लोग पर्सनली आके कनेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट, आप लोग एक बार समझिए। खाली 15-20 मीटिंग हुई हमारी, जिसमें ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ रुपया लोगों ने कमा लिया है इतने कम टाइम में। भाई इतनी मंदी में 2.25 करोड़ आया है, अगर अच्छा टाइम चल रहा होता तो 8-10 करोड़ का शायद रोटेशन आ चुका होता। तो आप लोग सब ज्वाइन कीजिए SPA, और हमारा आज प्रमोशनल पार्टनर भी है SPA, नसीब के SPA था तो उससे भी काफी स्पॉन्सर्स मिल गए और चीजें आगे बढ़ गई अच्छे से। थैंक यू सो वी रिक्वेस्ट चंद्रकांत घंची सर टू प्लीज कम अपॉन द डायस फ्रॉम द घंची इन्वेस्टमेंट्स, द मेंबर ऑफ SPA, एंड आई रिक्वेस्ट नावेद सर एंड हेमंत मकवान सर, जो है हमारे SPA चैप्टर जो फर्स्ट है उसके प्रेसिडेंट भी है और मेरे पार्टनर भी है SPA में, तो इनको तो मैंने जबरदस्ती स्पॉन्सरशिप ले लिया इनसे पकड़ के, इनके पास कोई एस्केप था भी नहीं वैसे भी, बट थैंक्स, थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ SPA एंड सपोर्टिंग HFF ऑल्सो। थैंक यू सो मच चंद्रकांत सर फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ SPA। आई रिक्वेस्ट विकास मिश्रा सर टू प्लीज कम अपॉन द डायस फ्रॉम विंग्स कंसल्टेंसी। फाइनेंशियल प्लानर है चंद्रकांत घाची जी, एक मिनट में रुकिए रुकिए, मेरे स्पॉन्सरशिप के पैसे वापस ले लेंगे अगर इनका प्रमोशन अच्छे से नहीं किया तो। नहीं, मजाक कर रहा हूं, बट ऑनेस्टली ये वैसे वाले फाइनेंशियल प्लानर नहीं जो आपसे जेब से पैसा निकाले, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग जिसको कहते हैं ना, मैं ऐसा झूठा प्रमोट नहीं करूंगा सिर्फ पैसों के लिए, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग ही डज दैट। आप लोग सही में, आपका नंबर एक बार बोलना, फ्लैश करना,
9820926446। नंबर सेव कर लो, एक्चुअली एक बार आके मिलो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इससे कुछ पॉलिसी लो या म्यूचुअल फंड लो या ये सब चीजें लो, खाली फाइनेंशियल प्लानिंग करा लो, वो जो गाइड कर रहे हैं उस चीज को फॉलो करो। थैंक यू चंद्रकांत जी, थैंक यू। यस, नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट मिस्टर स्वप्निल चौधरी फ्रॉम अमीगो इवेंट्स, प्लीज कम टू द डैश। मिस्टर स्वप्निल चौधरी, स्वप्निल चौधरी आइए। यार कोई बता ही नहीं रहा था बिजनेस क्या हो गया, इन सबको भावुक हो गया लगता है सोशल इवेंट में आके। इनका इवेंट मैनेजमेंट का कंपनी है, नए लड़के हैं लेकिन बहुत सिंसियर है। हमारा बैकस्टेज का भी आज पूरा काम इन्होंने संभाला है, तो माय स्पेशल थैंक्स टू इवेंट अमीगोस। और आपको कुछ इवेंट्स करना है, कुछ भी करना है, आज ये लोग सब मुझसे काम करा दे रहे, ये काम भी लगा दिया मुझे आज। सोशल वर्क क्या क्या करवा देता है इंसान को, देखो मुझे प्रमोशन भी आ गया अभी। तो अगर कुछ भी आपको, कुछ भी आपका इवेंट होता है तो स्वप्निल से मिलिए, एंड उनका गारंटी मैं लेता हूँ कि वो एक अच्छा जबरदस्त काम करते हैं, काफी टाइम से मेरे साथ में। न्यू है, यंग है, लेकिन बहुत ही सिंसियर है, तो आप लोग उन्हें भी मौका दीजिए। नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट मोहिदुल खान सर फ्रॉम आई किचन द इंटेलिजेंट चॉइस टू प्लीज कम ऑन द डांस। I request Mr. Deepak Chauhan from Pest O Stop to please come on the stage. Mr. Deepak Chauhan, is he present? Akanksha Chauhan, यहाँ पे है। Deepak Chauhan, Akanksha Chauhan. Meanwhile, मैं चाहूँगी कि SP के जितने भी members हैं ना, वो backstage आके हमारे साथ report में रहिए। All the members of SP are requested to report backstage. I request Panna Thakkar ma'am from Jalaraman Corporation's Weddings and Events. Panna Thakkar ma'am. Bhavesh Parmar sir. Bhavesh Parmar sir. इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी दे चुका हूं इसलिए मैं दे नहीं रहा हूं अभी। उनका खुद का मानव सेवा एजुकेशन ट्रस्ट है और वो साथ में हमारे इनसेंटर में काम करते हैं और बहुत सपोर्ट किया इस इवेंट के लिए। ऑडिशंस के लिए हमको रघुलीला मॉल जो वेन्यू है वो उन्होंने करा के दिया था फ्री में। आई रिक्वेस्ट अजिंक्य भुजबल सर फ्रॉम एवीए कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस सॉल्यूशंस टू प्लीज कम अप ऑन द डायस। अजिंक्य भुजबल सर, I request Rajendra Bankar from Siddhivinayak Consultants to please come on stage. Also, I request Yamini Sukhadia from Exotic Web Media Digital Channel to please come on the dais. Yamini ji, agar present hai to please aap manch par aa jao. Request Rais Khan sir from Fledge Institute of Aviation to please come upon the dais. Rais Khan sir from Fledge Institute of Aviation. Here we have Yamini ma'am from Exotic Digital Web Media. Thank you.
रईस जी हमारे फ्लैज इंस्टीट्यूट के जो मेन ओनर हैं एंड उन्होंने काफी सपोर्ट किया, जो उनकी टीम भी यहाँ पे आई है, आफरीन जी भी आई है, उनकी वाइफ जो साथ में संभालती है पूरा काम। तो मैं चाहूंगा वो लोग दो मिनट अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा आपको प्रमोट करें, बताएं क्या है एग्जैक्टली। थैंक यू नावेद सर फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। आई वांट आफरीन मैम टू स्पीक फ्यू वर्ड्स। गुड इवनिंग एवरीवन। सो फ्लेज इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी पिछले 5 सालों से बहुत सक्रियता से काम कर रहा है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे 20 सेंटर्स हैं। नवी मुंबई सीवुड सेंटर, घाटकोपर सेंटर है यहाँ मुंबई में। सो हाउ वी आर एसोसिएटेड विद द सोशल कॉज, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम कर रहे हैं टूवर्ड्स स्किल डेवलपमेंट। हमारे पास हर सोसाइटी के बच्चे आते हैं, बहुत गरीब बच्चे भी आते हैं जिनको हम काफ़ी तरक्की के रास्ते में उनको आगे बढ़ाते हैं, उनका ट्रेनिंग प्लेसमेंट इन द एंटायर सर्विस सेक्टर, और उनकी पूरी फैमिली खुश हो रही है, वो अपने पैरों पे खड़े हो पा रहे हैं। तो दिस इज अ लॉट ऑफ वर्क टुवर्ड्स स्किल डेवलपमेंट। जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने स्किल इंडिया शुरू किया, और उसी में ही ये था कि हम अपने यूथ को आगे बढ़ाएं, उनको पढ़ाएं लिखाएं ताकि उनको सही करियर आगे मिल सके। So with the same social cause, we are promoting Fledge Institute. Thank you, Raiji. Thank you, Afrinji. We have Yamini ma'am with us from the Exotic Web Media. Our supporter for Exotic Web Media Digital जो हमारे आज media partner हैं, and मैं thanks कहूँगा Yamini जी को for covering HFA festival and supporting us. I request Jyoti Sarvade ma'am to please come up on the dais from Gangavati Alpha Agro. We welcome you ma'am. Yamini ji, बताना चाहते हैं कि ये जो कवरेज आप कहाँ पे देख पाएंगे? ये डिजिटल चैनल है, मतलब सोशल मीडिया पे ही है, फेसबुक यूट्यूब वेबसाइट वगैरह पे। तो HFF का जो ऑडिशन हुआ था वो भी पूरा कवरेज आप उस पर देख सकते हैं, और ये भी पूरा कवरेज आप उस पर देख सकते हैं। लाइव यहाँ से आज पॉसिबल नहीं हुआ, सो हमने नहीं किया है, लेकिन आफ्टर दिन आप देख सकते हैं एक दिन के बाद। थैंक यू सो मच, और HFF की पूरी टीम को मैं बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा हमें मौका दिया गया। मैं सूरत से आई हूँ और ये पूरा चैनल सूरत से चल रहा है। थैंक यू सो मच। Yes. Once again, I request Mr. Mohiuddin Khan from iKitchen to please come on the dais. Jyoti madam, जो हमारे sponsor रहे हैं इनका गंगावती अल्ट्रा एग्रो है। Jyoti madam, थोड़ा बताना चाहेंगी public को आपके business के बारे में? नमस्कार, मैं यहाँ पे नावेद भाई, चंचला, जाफिर भाई का शुक्रिया बोलना चाहूंगी, और आप सबको भी धन्यवाद कहना चाहूंगी। मैं गंगावती कंपनी की डायरेक्टर हूँ, फर्टिलाइजर का है मेरा, मैं रशिया से मंगवाती हूँ। जो महाराष्ट्र में किसान है, मैं उनके लिए काम करती हूँ, और अपने गरीब बच्चे और सिंधुमाई सपकाल के साथ मेरा टच है। जब मुझे सिंधुमाई सपकाल एक फंक्शन में मिले, उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो अपन भी जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहिए। अभी मेरा काम तो चालू है ही, शुरू से ही मैं चप्पल इकट्ठा करने से लेके सब काम करती हूँ, यहाँ तक कि बेडशीट वगैरह या स्टील के बर्तन में नए पुराने जो भी कुछ है कि जो सामने वाला यूज कर पाए, उसको फायदा हो जाए वो चीज का, वो मेरा मेन एक इंटेंशन है। और इसके आगे पे मैं महाराष्ट्र के किसान और पुलिस डिपार्टमेंट हैप्पी रखे। थैंक यू। यस, आई रिक्वेस्ट मिस्टर रवि वर्मा फ्रॉम आरके एंटरप्राइज टू प्लीज कम ऑन डाइस। मिस्टर रवि वर्मा। किसी को घर तोड़ना हो तो भी उसे कांटेक्ट कर ले, घर जोड़ना हो तो भी उन्हें कांटेक्ट कर ले। याद रखना, इन्होंने काफी बड़े बड़े जी वगैरह बहुत सारे बड़े बड़े, ज्यादा मुझे याद है, जो ब्रांड्स है उनका काम किया हुआ है।
तो इनसे आप इवेंट के बाद मिलिए एंड जो भी इसको सपोर्ट कर सकते हैं कीजिए। मैं इनका इन सबका ब्रांडिंग इसलिए भी कर रहा हूँ एक तरफ से क्योंकि ये सब सोशल कॉज के लिए आगे बढ़ गया है, वैसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए आई थिंक। यस जरूर सर। फिर एक बार मैं मोहिद्दीन खान सर को बुलाना चाहूंगा फ्रॉम आई किचन। एनएम ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर, हम कई जगह पे एक्टिव हैं कंस्ट्रक्शन से लेके मार्केटिंग तक में। हमारा एरिया कवर होता है बदलापुर, अंबरनाथ, पनवेल, तलोजा, इन सब जगह पे। और जो प्राइस पॉकेट साइज जो हमारी है बिल्डिंग की वो स्टार्टिंग फ्रॉम 19 लाख ऑनवर्ड टू इवन करोस। सो एनीवन हु इज इंटरेस्टेड एंड इज लुकिंग फॉरवर्ड दे कैन अप्रोच अस। आवर लोगोज एंड बैनर्स वुड बी फ्लैश्ड शॉर्टली आई बिलीव। Thank you. Thanks. Thank you so much. I kindly request Suryakant Sakpal sir to please come upon the dais on behalf of We Serve International. Suryakant Sakpal sir from We Serve International. I request Vikas Mishra from Wings Consultancy to please come upon the dais. Vikas Mishra from Wings Consultancy. अच्छा हुआ तुम सब स्पॉन्सर्स मिल गए वरना मुझे नौकरी ढूंढनी पड़ती है यहाँ के, इतने चढ़े आते हैं मुझपे। बट थैंक्स, बिग थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट। थैंक यू सो मच। आई रिक्वेस्ट ऑड्रे मैम टू प्लीज कम अपॉन द डायस फ्रॉम आसमा एस्टेट एजेंसी। ऑड्रे मैम भाई थोड़ा ताली वाली बजा, अगली बार स्पॉन्सर देंगे नहीं लोग मुझे। वो सबका बिजनेस सुन रहे थे कि कहां से फायदा निकाल सकते वो लोग। Construction, Asma Estate Agency from the last 18-19 years in Seward itself. Thank you. Thank you so much, ma'am. And I would request Deepak Chauhan sir from Pestro Stop to please come upon the dais. Deepak Chauhan sir. Akansha Chauhan, Deepak Chauhan.
Thank you so much for that wonderful. A very big round of applause for them. It is a purely Adivasi folk from the villages of Maharashtra. To please stay back on stage for the further felicitations. I request Dr. Sanjeev Kumar sir to please come upon the dais, our big support for this event. Zordar taliya ho jaye, the dynamic personality of Navi Mumbai. For your kind support towards 7th HFM Festival. He is the achiever of the award of Rajiv Gandhi Shiromani Award for the great social service, and he has also got the Yamuna Lal Bajaj Award. He is the founding chairman of Punjabi Association of Navi Mumbai and many more. So right now he has recently got a doctorate as well. I would request Dr. Honey to please come upon the dais. I request Dr. Honey ma'am, can we have you on dais please? I request Trishali Vaghmare ma'am to please come upon the dais. Trishali Vaghmare ma'am, the owner of Avika Entertainment. SK sir, Trishali ma'am and Dr. Hani, कैसे ना थोड़ा अगले परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं? Yes sir, अगला जो परफॉर्मेंस होने वाला है नंदिनी, याद है हम जब ऑडिशन राउंड रघुलीला मॉल में जब होस्ट कर रहे थे तो ये जो परफॉर्मेंस इस ग्रुप ने जब अपना परफॉर्मेंस प्रेजेंट किया था तो सारा मॉल इन्हें ही देख रहा था और इतना अनोखा इतना ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस ये था और ऑडिशन के बाद आप सीधे इस मंच पर ये ग्रुप तैयार है इस अपने अनोखे अंदाज में इस अनोखे परफॉर्मेंस को प्रेजेंट करने ऑन स्टेज में बुलाना चाहूंगा स्वैगी डांस एकेडमी टू प्रेजेंट दिस ब्यूटीफुल होजागिरी फोक डांस जरा जोरदार तालियां हो जाती आई रिमेंबर होजागिरी फेसबुक पे लाइव भी गया था Correct. गया था लाइव एंड मोस्ट नंबर ऑफ व्यूज दे हैव रिसीव्ड सो ऑडियंस ध्यान से देखना इस डांस Thank you.
performance. Yes, lovely. मैं चाहूँगा कि Swaggy Dance Academy के कोरियोग्राफर्स प्लीज आप भी मंच पर आ जाएं. She was the one who was sitting in the audience and she was eagerly watching them how they are just balancing and doing it. Sindhu ma'am, you would be the best person to felicitate them. Please kindly do the honors. Ma'am, ये जब auditions हुए थे तो हमने भी ये try किया था bottle सर पे रखने, but हमसे तो नहीं हो पाए. I remember Swaggy sir ने कभी भी कहा था auditions में कि मैंने बहुत बड़े group से training शुरू की थी और काफी लोग ना बैकआउट हो गए ये बैलेंसिंग को देख के और बचते 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 फिर इतने लोग बचे. करेक्ट करेक्ट, ये बात सही है. ये इन्होंने कहा था कि ये जब इन्होंने ये डांस फॉर्म शुरू किया कोरियोग्राफ करना तो बहुत सारे बच्चे इसमें शामिल थे, बट जब ही पता चला कि ये बॉटल को बैलेंस करना है तो बहुत सारे बच्चे जो है बैकआउट हो गए थे और ये टीम जो है वो बच्चे आपके सामने जो परफॉर्म कर रहे, तो इनके लिए जरा जोरदार तालियां. Thank you so much to Swaggy Dance Academy for this wonderful and awesome performance at 7th HFF Festival 2019. So I request you to please stay back for the next awards. So soon we will be starting with the HFF awards. काफी लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं उसके लिए. सो आई वुड रिक्वेस्ट नावेद सर इज हियर. नावेद सर फॉर काइंडली डूइंग द ऑनर्स. हम किसे बुलाएं स्टेज पे? बिफोर दैट आई हैव सर्टेन सपोर्टर्स. आई रिक्वेस्ट डॉक्टर पंडरी शेट्टी सर टू प्लीज कम अप ऑन द डायस फ्रॉम द ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन. I request Dr. Sanjeev Kumar sir to please join us as he is one of the important IRA members with us. I request the entire team of All India Reporters Association to please come upon the dais. The entire team of IRA, that is All India Reporters Association, I request you all to please come upon the dais. Request Mr. Deepak Chauhan from Best O Stock to please come on stage. Mr. Deepak Chauhan, is he present now? Thanks to our sponsor, Best of Stock. यहाँ पे कुछ स्पेशल ऑफर है जो यहाँ पे देना चाहेंगे आप लोगों को. वैसे भी लोगों के लाइफ में और घर में दोनों में बेस्ट बहुत ज्यादा हो गए तो उसमें डिस्काउंट मिल जाता है, बड़ी बात हो जाती है. अच्छा, कीड़े मारते इंसान नहीं मारते हो क्या? ये क्लियर कर दिया कि अच्छा हो गया सर. तो क्या 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 ऑफर देना चाहेंगे? For New Year's, it's 20% off and counter bhi bahar laga hua hai, so guys, please, you know, just go and check the details. And yeah, that's it. बाहर काउंटर लगा हुआ है इनका, 20% ऑफ है जो आज यहाँ पे आए हैं. न्यू ईयर ऑफर है तो जितने भी कीड़े मकोड़े वगैरह क्या 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 लाइफ में है तो ये अच्छी टाइम है, करवा देना काम. वैसे भी नया डेकेड ही आ रहा है, पूरा साल तो दूर की बात है. ठीक है, थैंक यू आकांक्षा जी, थैंक यू. यस, थैंक यू सो मच. बेस्ट टू स्टॉप. Moving on to our next awards.
He is into the powerlifting and has achieved a lot in his field, because of which he has won many awards and accolades. He has won international, national and state level gold championships. He got awarded Chhatrapati Shivaji Award by Government of Maharashtra, and he has won 2016 International Gold Medal and Strongman of India and Powerman India Award consecutively from 2017, 2018, 2019. And he is going now for the World Championship in 2020 in Ukraine, Europe. And he is none other than Palvinder Saini. I request Palvinder Saini sir to please come up on the dais to receive the respected HFF Award. Thank you so much, sir. And aapko der kari shubhkamnaye. All the best for the World Championship 2020. Zordaar taaliyan, please. Ladies and gentlemen. Sharma. All. Captain Sunil Sharma, do we? Yes. We welcome you, sir, at 7th HFF Festival. I request Naved sir, Dr. Sanjeev Kumar and Shivamuri sir to please felicitate them. West Bengal. I request Pravat Mahapatra sir to please come upon the dais. Pravat sir. Pravat Mahapatra sir. He is a part of Ramakrishna Mission, Narendrapur, West Bengal. This NGO is working since last 40 years for child education in rural area. Adult education as well. They have made agricultural development with support mission and have worked tremendously for village health and development. And also they have made 3,000 toilets for poor village with Ramakrishna Mission support. I hereby request our renowned Sandeep Soparkar sir to please come upon the... Parker sir, along with Dr. Sanjeev Kumar sir and our founder, Naved Sheikh sir, to please felicitate them. रोशन, काइली मिनोग, आप जिन भी बड़े स्टार्स के नाम लेते हैं उन सबको जो डांसिंग करते हैं उनके जूते जो है वो ये लड़का बनाता है. सो इसके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए. गॉड ब्लेस यू जमील एंड कीप शाइनिंग ऑलवेज. थैंक यू. थैंक यू सर. रिक्वेस्ट जयती मैम टू प्लीज
come upon the dais. You can see her known face in Kahani Ghar Ghar Ki Kasauti, Sindoor, Jassi Jassi Koi Nahi, Sabki Ladli Bilbo, Maika, and many more TV serials. She has given voice to characters like Kaikeyi in Ramayana and Gandhari in Mahabharat and Devi Katha in 104 FM Radio. Haji, congratulations, Jayati ma'am. Jayati ma'am, aapke taraf se kuch words audience ke liye. आपको सब सीरियल्स में देखते हैं, हमेशा भी लाइव देख रहे हैं सब लोग. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, लोग कहते हैं कि आज में जिए, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा फ्यूचर में ले जाना चाहूँगी. थैंक्स टू साइंस टेक्नोलॉजी हम लोग अब सिर्फ ग्लोब नहीं, छोटा सा आपका ग्लोबल विलेज हो गया है, हम सब उसके सिटीजन हो गए हैं. और अब हम दूसरे ग्रहों में जाने की बात कर रहे हैं, मार्स में जाने की बात कर रहे हैं. तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो हमसे पूछा जाएगा, जो भी जा रहे हैं, क्योंकि एक वन वे टिकट एक अभियान तो चला है, तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे हमसे पूछा जाएगा कि आप क्या हैं, कहाँ से आए हैं, तो हम कहेंगे पृथ्वी ग्रह से आए हैं. आप कौन हैं? तो मुझे ही लगता हमें से कोई भी कहेगा कि मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कुछ भी हूँ. हम कहेंगे कि हम ह्यूमंस हैं. तो हम उस फ्यूचर को आज में ले आए, हम ह्यूमंस कहें, अपने आप को इंसान कहें. थैंक यू ह्यूमैनिटी फर्स्ट, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी. थैंक यू, थैंक यू सो मच जयती मैम फॉर योर काइंड प्रेजेंस. मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा इस पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो एक छोटी सी चीज, बहुत ध्यान से सुनना, दो मिनट का ही है. हुआ था, एक्चुअली हुआ था मेरे साथ, एक नहीं, फ्रेंड्स लोग डिस्कशन करते रहते हैं कि लाइफ में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ये वो. तो मैंने ऐसे जस्ट हिंट मारा था कि मेरे लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये बहुत क्लोज फ्रेंड है इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, मतलब भाई वो समझ लो कि 5 लेटर का ये अल्फाबेट है, आई से शुरू होता है. तो उसने बोला सही है भाई, मुझे लगा था इस्लाम पहला ही होना चाहिए, टॉप प्रायोरिटी पे. मैं बोला इस्लाम प्रायोरिटी पे है, लेकिन वो 5 लेटर वर्ड है ना, आई से जो शुरू होता है इंडिया है मेरे मेरे लिस्ट में. बाकी जो भी हम रिलीजन फॉलो करें या जो भी करें, ठीक है. अच्छा, एक चीज़ है जो मैं साइंटिफिकली प्रूव कर सकता हूँ, जो सोचना ठंडे दिमाग से, कि क्यों वतन सबसे पहले आता है, क्यों मिट्टी सबसे पहले आती है. हम अपना धर्म चेंज कर सकते हैं, हम अपना नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई भी माइकल आले पूरे दुनिया का अपना जो प्लेस ऑफ बर्थ है, जो जन्मभूमि है, कोई भी चेंज कर सकता है क्या? वो सबसे प्रायोरिटी पे आती है, वो सबसे ऊपर आती है. और ये सब जगह लिखा है, ये कुरान, गीता, बाइबल आप उठाओ, लिखा है कि जो वतन है वो सबसे पहले आते. तो सही बात कही आपने, ये जरूरी है कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन जैसी और भी जो संस्थाएं हैं, जो बहुत बोलते ना, जो ऐसा माहौल चल रहा है जब लोग बट रहे हैं, सोशल मीडिया पे फाइट कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम अलग अलग पार्टी वार्टी ये लेके सारी चीज़ें कर रहे हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन उभरती हुई आती है और लोगों को जोड़ना शुरू करती है, साथ मिलाती है. आज जो हील आपके आने के पहले सर, जो हील सेंटर का हम बता रहे थे, उसमें 27 लोग हैं. 27 के 27 में किसी को नहीं पता उसमें हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, क्रिश्चियन कौन है. खाली वो एक चीज़ करते हैं, गरीब बच्चों को जाके फ्री में एजुकेशन देते हैं साथ में मिलकर. सिर्फ उनका ये उनको पता भी नहीं कि जिनको एजुकेशन दे रहे वो हिंदू है कि मुस्लिम, उनको लेना देना ही नहीं इस चीज़ से. भाई किसी की लाइफ बन रही है, वो 62 बच्चों का फ्यूचर चेंज हो रहा है, सिर्फ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं साथ में आके. तो ये जो आपने बात कही, मैंने कहीं ना कहीं कंटिन्यू किया, ये फील हुआ कि मुझे शायद बोलना चाहिए. और माय रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन, हमें हिंदुस्तान को ऐसा बनाना है ना, बहुत ध्यान से सुनना है बात, कि अगर मंदिर पे कोई उंगली उठती है, मंदिर को कोई नुकसान पहुंचाने आता है, तो मुस्लिम खड़े होने चाहिए उसको रोकने के लिए, और मस्जिद पे होती है तो हिंदू खड़े होने चाहिए. हमारा जो भाईचारा, एकता, यही तो हमारे देश की सबसे बड़ी ब्यूटी है. और इसको आगे ले जाने के लिए इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमैनिटी फर्स्ट का, इसलिए हम लोग ने इतने सालों से चला रहे हैं, फैला रहे हैं, लोगों में डाल रहे हैं कि नहीं भाई, पहले हमको सबको साथ में आना है, प्रोग्रेस के लिए सोचना है, एडवांसमेंट के लिए सोचना है, ह्यूमैनिटी के लिए सोचना है. जो मैडम ने कहा, कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा सा वो एलोबरेट किया मेरे तरीके से, जो मुझे लगा फील हुआ मुझे बोलना चाहिए, बट ये जस्ट छोटी सी चीज़ थी जो मुझे लगा कि प्रेजेंट करना चाहिए. और मुझे और एक और चीज़ ऐड करूँगा, बहुत लोग पूछते कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन क्यों आया, आइडिया क्यों स्टार्ट हुआ. क्योंकि मैं इसके बाद ज़्यादा बोलने वाला नहीं हूँ, तो अभी बोल दे रहा हूँ, ख़त्म कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे 2-3 लोग बैकस्टेज भी पूछे, इधर भी पूछे. यहाँ पे बहुत अजीब सा हादसा हुआ था, हादसे हुए थे, लेकिन एक उसमें से जो है बहुत गढ़ गया था मेरे अंदर कहीं ना कहीं. आज से 9 साल पहले जब मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया, तो ये उसके और 6-8 महीने पुरानी बात है. मैं जॉब पे था तभी, 3-4 प्रमोशन ले चुका था 4-5 साल में ही, अच्छा खासा. और छोटी सी चीज़ थी, मेरे मन में बहुत था कुछ करना है, लेकिन मुझे राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था.
एक दिन मैं मेरे घर से निकला, जब भी मैं सीबीडी बेलापुर में रहता था, पीछे वाला एक रास्ता है अपना बाजार है वहाँ पे, और मैं रास्ते से गुजर रहा था, देखा हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, देखा कि रोड के इस तरफ एक बच्चा 10-12 साल का होगा कुछ तो ढूंढ रहा था, जो कचरे का डब्बा जो बड़ा वाला नहीं होता जिसमें पूरा वो ट्रक आती है और जो पूरा वो उठाते हैं उसमें से वैसा वाला, तो वो कुछ ढूंढ रहा था वहाँ पे, और इतनी कसम से बोल रहा हूँ इतनी बात आ रही थी, मतलब मैं इस तरफ था रोड के, मतलब कोई 10 मीटर के रेडियस में भी शायद नहीं गया रहता, मैं जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखने लगा कि क्या हो रहा है, मुझे लगा रैक पिकर है वो सब जमा करके बेचते हैं और जो बेचारे अपना गुजारा करते हैं वैसा कुछ रहेगा सिचुएशन। मैं थोड़े देर बाद बहुत नम हो गया, मैं देखा कि कचरे के डब्बे में एंटर किया अंदर, उसने कुछ थैली खोली, उसने एक दो निवाले खाए, उसने वो थैली बंद की, I request Dr. Vijay Shukla sir to please join us on the dais. Dr. Vijay Shukla sir, the Vice President of Lokmat, a national newspaper. Sindhu ma'am, kuch bolna chahenge ab hamare audience ke liye, HFA festival ke liye, please. Sindhu ma'am, do shabd please. Achha, first of all, I thank Humanity First Foundation for acknowledging us. To be very honest, we are all honestly backstage heroes. जो कभी स्क्रीन पे नहीं दिखते हैं तो हमारा काम भी नहीं दिखता है, but somewhere our dedication to the industry for so many years have been acknowledged here. Thank you Naveed ji for it. As we know, there are many dancers who are got so much of talent. Maybe during our time we didn't get a platform. So I am just trying to do the little bit to create platform for the new upcoming artists of Navi Mumbai and Mumbai and all dancers. And I'm sure we will be having much more shining figures from our Navi Mumbai, and we will be having much more shining figures over here to collect this award from you, Naveed ji. Naveed ji ne jaise wo apne apka ek इंसिडेंट बताया जिससे आप इंस्पायर होकर सोशल वर्क करते हैं, वैसे ही आपको पता है हम भी काफ़ी कुछ सोशली इन्वॉल्व है, इसके लिए सिर्फ दो शब्द में एक शायरी बोलना चाहूँगी। घर से निकलते राह में एक तरफ खेत थे एक तरफ शमशान थे, घर से निकलते राह में एक तरफ खेत थे एक तरफ शमशान थे, चलते चलते एक हड्डी पे पैर पड़ी, तड़प के बोली हड्डी संभल के चलना मुसाफिर, हम भी कभी इंसान थे। Thank you so much, Sindhu ma'am. Next up, we have with us a very special guest of today's evening, Kaisar Khalid sir, the IPS Special Inspector General of Police, Maharashtra State. We request you to please come up on the dais, sir. Kaisar Khalid sir is a conscientious IPS officer, Sahitya Award-winning writer, prolific speaker, students counselor, and a committed to justice, peace, and harmony. He is credited with the launch of many innovative ideas within the line of service, like raising women commando battalions for Mumbai Police, launching a campaign for giving away to ambulances in the Mumbai city, and a massive afforestation drive. He is deeply committed to humanism, justice, and fairness. He has published his second poetry collection, Dashte Jaan, in 2016. He has edited the poetry collection of Shad Azimabadi, which is taught in postgraduate courses. I request Dr. Hemant Nakhwana sir to kindly give a small introduction regarding him. First of all, thank you so much sir for coming. It's an honor you are here on this platform. Khalid sir ke bare mein main ye bolu ki unse bahut dar lagta hai, mujhe nahi sabko lagta hai ye. Jab main chota tha na tab matlab mere yahan pe jo police stations hote the na, तो वहां पे भी अगर हम लोग कभी जाते थे तो ले वो खालिद सर मतलब इतना मतलब खौफ उनका होता था। मेरा सच में ये सौभाग्य है कि मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, उनकी छाया में हूँ, और हमेशा उनका गाइडेंस और उनके उनके फॉलोशिप पे मैं हमेशा चलता हूँ। और HFF का ये सच में सौभाग्य है कि IG सर यहाँ पे है और हम उनको एक्सलेंस अवार्ड दे पा रहे हैं, ये हमारा सच में सौभाग्य है। ही इज अ पोएट, वंडरफुल पोएट, मतलब पोएट के लिए भी उनको काफी अवार्ड मिल चुके हैं, गवर्नमेंट से उनको अवार्ड मिल चुके हैं, और दोनों भी चीजें हैंडल करना, मतलब मैं देखता हूँ कि उनके पोएट
कि जो फेस्टिवल्स होते हैं वो हर महीने हर 15 डेज में होते हैं. अगेन बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर, अगेन बीइंग एन आईजी, मतलब उनका इतना हेक्टिक शेड्यूल होने के बावजूद भी वो अपनी जो हॉबीज है, जो अपना पैशन है, उसको भी फॉलो करते हैं. सर, यू आर रियली एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द यूथ. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर. थैंक यू सो मच सर. आई रिक्वेस्ट नावेद सर टू प्लीज फेलिसिटेट देम विद दिस 7th HFF एक्सीलेंस अवार्ड एंड अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम and for making out a time for our festival out of his busy schedule. Thank you so much, sir. भाई ये आज जो मैं यहाँ पे आया हूँ तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आया हूँ कि मेरे से कोई डर भी सकता है. अब अगर मैं इस हाल में कहीं चला जाऊँ तो कोई पहचानेगा भी नहीं कि मैं पुलिस में नौकरी करता हूँ. कई बार जब मैं ट्रेन में या दूसरे जगह पे जाता हूँ, लोग पूछते हैं तो मैं ये कहता हूँ मैं छोटी मोटी नौकरी करता हूँ भाई. बड़ी मुश्किल से पूछते हैं तो फिर कहता हूँ हाँ जी गवर्नमेंट में हूँ. आखिर आदमी जब लटक ही जाता है तो बताना पड़ता है कि मैं इस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ. क्योंकि देखिए हमारा काम है आपका डर दूर करना, आपको डर में लाना मेरा काम नहीं है. मेरा काम ये है कि मैं वो सिचुएशन आपके लिए अवेलेबल करूँ जिसमें आप अपने सपने साकार कर सकें. मेरे 250 वीडियोस होंगे यूट्यूब पे, अगर आप देखिएगा, किसी में खौफ की बात नहीं होती है, डर की बात नहीं होती है, डर से निकलने की बात होती है. तो मेरी कोशिश यही रहती है कि समाज में अमन रहे, अमान रहे, लोग जो अपने काम करते हैं, जो उनके आशाएं हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, जो उनके सपने हैं, उसको पूरा कर सकें और ज़िंदगी में वहाँ पहुँच सकें जहाँ वो जाना चाहते हैं. साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूँ, जो मेरा दूसरा मिशन है वो हार्मनी थ्रू लिटरेचर का है, कि समाज में हम बहुत आगे बढ़ जाएं, बहुत प्रोग्रेस कर लें, बहुत सारे पैसे कमा लें, हमारे अंदर की जो इंसानियत है वो पीछे नहीं छूटनी चाहिए. अक्सर आप देखते होंगे, बहुत छोटी सी एग्जांपल है, रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो हम क्या करते हैं? हम अपनी गाड़ी रोकते हैं, हम उस आदमी को उठाते हैं, उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, उसको फर्स्ट एड देते हैं? नहीं, हम अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं और वहां से जल्दी से निकल जाते हैं. अफसोस की बात है कि हमने कभी ये नहीं सोचा कि कल अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा. तो इसीलिए अभी मीरदादा साहब ने मुझे मेरे ही एक शेर के बारे में कहा है, वो इसी हवाले से शेर है. एक मतलब और एक शेर सुन लीजिए कि छुप के सीने में एक आग सी तो रहे, लोगों को नहीं देखे फिर भी अंदर होनी चाहिए. छुप के सीने में एक आग सी तो रहे, शहरे जा में कहीं रोशनी तो रहे, शहरे जा में कहीं रोशनी तो रहे. यह दौरे हवस, दौरे हवस एज ऑफ ग्रीड, यह दौरे हवस, लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे. यही पैगाम है और मुझे लगता है कि यूनिटी फर्स्ट फाउंडेशन का भी यही पैगाम है कि हमारे हम जब चले जाएंगे इस दुनिया से ना, तो हम क्या बना के गए इसकी कोई बात नहीं करेगा, वो आपके बच्चों के लिए होगा. आप इंसानियत के लिए क्या करके गए हैं उसकी बात लोग जरूर करेंगे और आपका एग्जाम्पल तभी कोट होगा जब आप अपने अलावा भी किसी के लिए कुछ करके गए हैं. तो कोशिश कीजिए कि कुछ ना कुछ अच्छा यहाँ से लेके जाएं, क्या पता आगे कल हिसाब हो और हमारी झोली खाली हो वहाँ पे, ये रुपये पैसे बिल्डिंग फैक्ट्री यहीं रह जाने वाला है, साथ तो पुण्य ही जाएगा, तो कुछ पुण्य कमाना है. थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स. सर आपने जो दो बुक्स लिखी है उसमें आपने अपने विचारधाराएं बताए, मैं चाहता हूँ कि वो बुक्स आपको उसके बारे में भी बताए ताकि लोग उसे पढ़ सके. देखिए यार मार्केटिंग में करता नहीं. देखिए दुनिया में बहुत सारे पागल होते हैं जो ठीक ठाक भी नजर आते हैं, है ना. हम सब जो पैशन को फॉलो करते हैं वो एक हद तक पागल एक्सेंट्रिक लोग होते हैं, उसके सिवा आदमी आगे बढ़ ही नहीं सकता है. नहीं तो आदमी अपना घर परिवार, अपना प्रोग्रेस, अपना कंफर्ट, इससे आगे नहीं निकलेगा. तो दुनिया को कुछ जुनूनी लोग ही बदलते हैं, उसमें कुछ चेंज लाने की कोशिश करते हैं. तो जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी राइटर हैं, जितने भी पैशन को फॉलो करने वाले लोग हैं, अभी जैसे नवेद मियां, अब अच्छी खासी पोस्ट पे होते आज, जिस दिन नौकरी इन्होंने छोड़ी होगी घर में कितनी गाली पड़ी होगी मैं समझ सकता हूँ. किसी ने कहा था बेटा बहुत अच्छा काम करके आए हो,
नहीं कहा होगा, कहे पागल हो गया, अच्छी खासी नौकरी थी, प्रमोशन हो रहा था, क्या एक बच्चे को देखा, ऐसे तो सैकड़ों बच्चे हैं न्यू बॉम्ब में, यही बात करेंगे। लेकिन जो दिल का दर्द है ना, वो इंसान को परेशान कर देता है, जैसे गिल्ट आपके मन में हो, आपको चैन से सोने नहीं देता है, वैसे ये फीलिंग्स होती है। आपको मालूम है ना, प्यार जिनको हुआ होगा, रातों की नींद उड़ जाती है, तो सोने नहीं देता आदमी को। तो वही चीज है कॉन्शियसनेस। अगर आपकी आत्मा बड़ी बेचैन किस्म की हो, आप चीजों को देख के अफेक्ट हो जाए, ये सोचे कि ऐसा ही क्यों है, ये बच्चा वहां से जिसको कचरा समझ के किसी ने फेंक दिया है, उस सड़े हुए डस्टबिन से खाना निकाल के खा रहा है, भगवत तेरी दुनिया में हो क्या रहा है। और वो पलट के आप देखो कि 50 फ्लोर की बिल्डिंग है एक आदमी की, सैकड़ों लोग वहां काम कर रहे हैं उसको साफ करने के लिए, तो आप ये सोचोगे ना कि हम कहां हैं, कौन से समाज में हैं, क्या ये वही समाज है जिसको हम बनाना चाहते थे। तो राइटर के मन में भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अब मैं डिपार्टमेंट में हूं तो मैं ज्यादा इधर उधर कुछ कर भी नहीं सकता, तो मेरे पास एक कलम भी है, डंडा तो है ही उसके अलावा कलम भी है, तो मैं उसको हथियार बनाता हूं, बात करता हूं आज के इंसान की, कि वो जिस सफर में गुजर रहा है, उसकी जो फ्रस्ट्रेशंस है, उसकी जो स्ट्रगल्स है, उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, और आप समझ लीजिए कि हर चीज का नेचर बदल रहा है। जब तक मोबाइल नहीं आता था ना, कल मैं दिल्ली में था एक प्रोग्राम में, वो कवि ने कहा कि हम कागज पे अपना दिल निकाल के रख देते थे जब लव लेटर लिखते थे। आज के दौर के बच्चे को पूछो कि लव लेटर क्या होता है, तो इंस्टा बताएगा, व्हाट्सएप बताएगा, टिंडर बताएगा, फेसबुक पुराना हो गया, ये नई जनरेशन ने फेसबुक छोड़ दिया है, टिंडर है वगैरह वगैरह, अब तो इंस्टेंट जाता है, तुरंत जाता है। तो वो जो एक मजा था कि भाई मैंने भेजा है खत, अभी वो फेंक दिया है, अभी मिलेगा, खोला जाएगा, अकेले में पढ़ा जाएगा, उसका जवाब लिखा जाएगा, बहुत सारे लोग तो खून से भी लिखते थे, तो वो दौर खत्म हो गया। इंसान बदल रहा है, इंसान की प्रेफरेंसेस बदल रही हैं, वो रिजल्ट होना चाहिए। आज की महबूबा 100 साल पहले वाली नहीं हो सकती है, आज का बच्चा आज के दौर में रहता है, अभी का सोचता है, उसकी प्रॉब्लम अभी की है। आज से 50 साल पहले लोकल ट्रेन नहीं थी, लोग धक्के नहीं खाते थे, लाखों लोग लटक के नहीं जाते थे। ये हमारी फ्रस्ट्रेशन है, ये हमारे एज का रिफ्लेक्शन है, हमको तुरंत चाहिए, पेप्सी चाहिए मुझे अभी, पेप्सी के लिए मैं इंतजार नहीं कर सकता हूं। पुराने जमाने में बाप डांट दे हुए तो बच्चा चुपचाप बैठ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जमीन पर लौटेगा। आज का बच्चा जोमैटो पे ऑर्डर करेगा, घर मंगवा लेगा, बाप को बोलेगा पैसे दे दो। तो सिचुएशन बदल रही है, तो पोएट्री भी बदलनी चाहिए। तो मेरी जो दो किताबें हैं, एक शौर्य असर है द कॉन्शियसनेस ऑफ टाइम, और दूसरा दश्तेजा द विल्डरनेस ऑफ सोल, ये बेसिकली इसी चेंज को, इसी फीलिंग को, यही जो सफर है जो मैंने पिछले कई सालों में जिया है, उसको रिफ्लेक्ट करती है। उसका हिंदी एडिशन अमेजन पे अवेलेबल है, आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि थर्ड एडिशन अब उसका ये 4 महीने में निकल गया है। तो एनी ऑफ यू जिसको रात में नींद नहीं आए, बेचैन हो, ऐसी चीजें परेशान कर रही हूं, तो जरूर उस किताब को पढ़िए, कुछ गमों की दवा वहां मिल जाएगी, कुछ इलाज हो जाएगा, इसको कैथारसिस हम कहते हैं। सो थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया और ये किताबों के बारे में कहने के लिए बताया, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग उसको पढ़ेंगे तो वो ये कहेंगे कि ये तो मेरी ही कहानी कह रहे हैं, ये मेरे ही दर्द, मेरे ही दुख, मेरे एक्सपीरियंसेस को बयान कर रहे हैं। तो यही जिंदगी है, और इसी चीज को जो ठीक ठाक बयान कर दे उसको कवि कहते हैं। वो और अच्छे ढंग से करे तो कोरियोग्राफर होगा, और अच्छे ढंग से होगा तो डिजाइनर होगा, मतलब लाइफ में हर क्रिएटिव आदमी लाइफ के इसी एस्पेक्ट को एक्सप्रेस करता है। और उसके लिए आज मैं जो यहाँ स्टेज देख रहा हूँ, मुझे मालूम है इस हॉल का कॉस्ट कितना है, और इतना सारा प्रोग्राम करना, इसके लिए पूरी HF टीम जो है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन की टीम, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत जियाले लोगों का काम है जो पागलपन की इस हालत में पहुंच गए हैं, उनको लगता है कि समाज में अच्छाई की तरफ बदलाव होना जरूरी है। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मिसेस इंडिया, शी इज मिसेस यूनिवर्स वुमन ऑफ कॉन्फिडेंट 2018 इन मिसेस यूनिवर्स एट सेबु फिलीपींस। शी हैज बीन फेलिसिटेटेड विद वेरियस अवार्ड्स लाइक भारत प्रेरणा अवार्ड, वुमन ऑफ फोर्टिनेस अवार्ड, उद्गम
the Women Achievers Award Inspirational Woman of Year 2019, Inspiring Womanhood, the WE Award 2019. And she has been a wonderful personality in the field of modeling. Thank you so much, ma'am. Aapka profile padhte na kaise time chala gaya. Aapne award le liya, maine dekha bhi nahi. Thank you so much for your kind presence at 7th HFF Festival. Thank you, Humanity First Foundation. मैं आज जिस कोर्स के लिए यहाँ हूँ, हमारे समाज में जनरली औरतों के बाल नहीं होना, वो जैसे रिवाज ही नहीं है किसी का यहाँ. अब आज अभी हमने जो देखा इस प्रोग्राम में, उसमें एजुकेशन, ह्यूमैनिटी एंड अभी जो सर ने बताया जो उनकी बुक्स के बारे में, उसमें भी वही था कि दोरे हवस है लेकिन इंसान एटलीस्ट इंसान रहे. उस बात से मैं इतना ही कहना चाहूँगी, आपके आजू बाजू में कोई भी ऐसा कोई है कि जो नॉर्मल नहीं है, जिसके बाल सिर्फ नहीं है वैसा नहीं है, उनके कोई गोरा होगा तो गोरी गोरी पान फूला सर की छान नहीं मी तसन असता, कोई काला भी होता है, कोई छोटा भी होता है, जैसा भी है आपके आजू बाजू में, आपके नॉर्मल वो ह्यूमन बीइंग है. तो आप उसकी जो भी जो उसके जीने के लिए जो तमन्ना है उसको मत मारिए. और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हादसा हो जाए तो आप क्या करेंगे वो भी आप कभी कभार जरूर सोचिए. और जिसको ये होता है उनके लिए मेरा पैगाम है कि मौत, जनाजा और कफन तो सिर्फ बातें हैं. इंसान मर उसी दिन जाता है जब जिंदगी के सवालों से हार जाता है. तो बी स्ट्रॉन्ग, एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड बी अ मोस्ट पर्सन. थैंक यू सर. थैंक यू जफर सर. थैंक यू सो मच. एलोपेशिया के बारे में मैं ये कहूँगी कि ये एक ऐसा फिजिकल सिचुएशन है जिसमें शरीर बाल बनाना बंद करता है. जैसा मेरे बॉडी ने आज से 10 साल पहले बाल बनाना बंद किया और तब मैंने समाज का सिनारियो देखा. 5 साल में एकदम गहन डिप्रेशन जो बोलते हैं उसमें थी. मैंने सुसाइड कमिट करने के लिए उस रात में ऑलमोस्ट रेडी थी. मेरे साथ मेरा दुपट्टा था और एक लास्ट पंखा था और मैं थी. और मैंने एकदम अंदर नजर गई तो मेरे बच्चे सो रहे थे. मेरे 4 बच्चे, यानी मेरे 2 बच्चे ह्यूमन है और 2 बच्चे डॉग्स है. तो मैंने बस एट दैट मोमेंट, जब लास्ट मोमेंट था, मैंने ये सोचा कि कल सुबह का दिन मेरे बच्चों के लिए क्या होगा, कल सुबह मेरे बच्चे जब उठेंगे तो क्या देखेंगे. और बस एट दैट मोमेंट मैंने सुसाइड करने का जो मेरा सोच था वो मैंने बदल दिया. वो पूरी रात में सोई नहीं. आज तक मैंने सोचा कि मैं दुनिया की नज़रों से बचती रही हूँ लेकिन अब मैं दुनिया के सामने आऊंगी. मैंने जो 5 साल मेरी जिंदगी के बर्बाद किए हैं वो अब नहीं होगा. मैं दूसरी ही सुबह से मैंने तय कर लिया था कि अब से 5 साल जो गए हैं वो क्वाली केत की अब नहीं होगी, क्योंकि मैं दुनिया के कंफर्ट के लिए खुद को मार रही थी. मैं लोगों के सामने से आने से डर रही थी. मैं हमेशा जब रात होती थी तो मुझे होता था कि इस रात की सुबह ही ना हो कभी, लेकिन ऐसा नहीं होता था. दूसरे दिन सुबह हो जाती थी और मैं रोज रोज लोगों के जितने लोग देखते थे उतनी बार मैं मरती थी. लेकिन तब उस दिन से मैंने सोचा था कि अब केतकी जानी मरेगी नहीं, जब तक कुदरती मौत नहीं आएगी तब मैं मरूंगी नहीं. और मैंने एलोपेशिया अवेयरनेस के लिए काम शुरू किया. सपोर्ट एंड एक्सेप्ट एलोपेशिया करके मेरा एक इवेंट है जिसमें मैं लोगों को एलोपेशिया के लिए काउंसिलिंग करती हूँ. जो लड़कियाँ या पुरुष भी, इवन 2 साल पहले बेंगलोर में एक 25 साल के लड़के ने आत्महत्या की और उसने सुसाइड नोट में लिखा था एलोपेशिया. तो देखिए हमारे समाज में हम लोग कहाँ है. एज अ सोसाइटी हम लोग फेल है जब हमारे आजू बाजू में कोई बिना बाल वाला लड़का या लड़की जीने के लिए डर रहा है. आपके आजू बाजू में कोई है तो प्लीज उसे बचाइए. ये कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग रोग नहीं है कि जिससे अनटचेबल भी नहीं है कि जिससे आपको हो जाएगा. हम लोग नॉर्मली है जैसे आप लोग हैं. हमारी लाइफ भी नॉर्मल होती है, हमारी सेक्स करने की इच्छा भी वही होती है, हमारी खाने की इच्छा भी वही होती है और हमारे जीने की तमन्ना भी वही होती है जो आप लोगों की है. तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए उनको बायकॉट, जैसे कि कोई वो है ही नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं है. वैसा हमें फील जो होता है, हर एक बाल जब जाता है तब तो हमें लगता है कि हमारा आत्मविश्वास गिर रहा है और जब पूरे बाल चले जाते हैं तब तो हमको लगता है हमारी जिंदगी ही चली गई है. तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद कोई भी इंसान, जो लड़का या लड़की, किसी को भी ऐसा फेस ना करना पड़े जिंदगी का सफर. इसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ और मैं आज ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन के आभारी हूँ कि उन्होंने आज मुझे ये अवार्ड दिया है. और मैं उनके लिए बेस्ट विशेस देती हूँ क्योंकि वो भी
बीइंग ह्यूमन के रास्ते में है. थैंक यू वेरी मच जफर सर. थैंक यू सो मच कीर्ति मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स. सांता क्रूज पुलिस स्टेशन एंड वन ऑफ द फर्स्ट ऑफिसर्स टू बी सिलेक्टेड फॉर मुंबई क्राइम ब्रांच. She has excelled in academics, law, cybercrime, public relations, IT investigations, holding seminars on matters like bank frauds, trends in cybercrimes, women in crime, anti-terrorism, and many more. She has won the Nodal Officer of Commonwealth Youth Games 2008 at Pune, bearing the head of Pune Cybercrime Cell from 2010 to 2013. As a contribution to the society, she has organized a school for underprivileged children numbering over 100. Which are trained by educated housewives who would have otherwise become vagabonds. She has won the Police Medal for Meritorious Service on the Independence Day 2018, and she is none other than Sangeeta Alfonso, ma'am. A very big round of applause for her. Hello. Thank you so much, Sangeeta ma'am, for your kind presence at 7th HFF Festival. Rashmi Patil to please come upon the dais. Rashmi Suresh Patil, a national level Bharatanatyam performer, a young girl with hearing impairment, a national level Bharatanatyam performer, felicitated and honored with national level award by All India Artists Association. A 23-year-old young girl with 100% hearing impaired by birth, unable to talk and hear properly, but now she is able to talk well. She has been trained by the experts. I request her mother to please come upon the dais. See, ऐसे बच्चों को रेज अप देना बहुत मुश्किल होता है एंड इट्स द फर्स्ट कंट्रीब्यूशन एंड द डेडिकेशन दैट पेरेंट्स गिव टू देम. आई रिक्वेस्ट अर्चना मैम टू प्लीज कम अपॉन द डायस एंड रिसीव द 7th HFF अवार्ड. हार्टी कंग्रेचुलेशंस रश्मि. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट अवार्डी, आई हियर बाय रिक्वेस्ट गुरु सुदेशना सेन गुप्ता मैम टू प्लीज कम अपॉन द डायस. शी इज अ क्लासिकल डांसर परफॉर्मर गुरु at the genres of Kathak, an educationalist and a social worker. She is the founder of Fire Dance Academy under the affiliation of Rabindra Bharati University, founder of Akshar Education and Socio-Cultural Association, invited as a guest for felicitation and events of Foundry Doctorates. I request Guru Sudeshna Sen Gupta ma'am to please come upon the dais and receive the 7th HFF Festival Foundry Award. A very big round of applause. Hearty congratulations, Guru Sudeshna Sen Gupta ma'am. I hereby request our next awardee, Salma Prabhu, SIES and TISS. She has profiled 3.5 lakh students, adults and teachers in more than 200 schools. A very big round of applause for Salma Prabhu ma'am. And we congratulate you for receiving the HFF Honorary Award. At the age of 22, she started Sushma Mahila Jan Kalyan Evam Bal Vikas Shikshan Samiti. In 2012, she has done comprehensive projects in health, education, livelihoods and disaster preparedness and response. Her NGO's overall goal is the empowerment of women and girls from poor and marginalized communities, leading to improvement in their lives and livelihood. She has helped more than 1,000 women for giving medical facilities, organized health camps and many more. We congratulate you, ma'am, for receiving this 7th HFF Festival Excellence Award. Moving on to our next awardee, I request Zakir Khan, sir, to please come upon the dais. Zakir Hussain Khan, sir. Here we have with us. He is a film and television actor, model, recipient of Dada Saheb Phalke Foundation Award. He is a recipient of the prestigious award in 2019, working since 25 years in the film industry. Worked for more than 4,000 episodes of TV serials and nearly 72 Bollywood movies. You can see him in Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, Mahavir, Hanuman, Mahabharat and many more. He has done modeling for the outdoor, electronic media for brands like Bosco, Denim Jeans and many more. Hearty congratulations, sir.
I also request. Putting up so much efforts for supporting our 7th HFF festival. He is the Vice President of Lokmat. वैसे वो introduction की ज़रूरत नहीं है, पूरा नवी मुंबई उन्हें जानता है. फिर भी बहुत ज़ोरदार तालियां हो जाए विजय शुक्ला सर के लिए. I request Dr. Shiva Mudigiri sir to please come up on the dais. Yes, Dr. Shiva, please come on stage and join us. You're here on the dais. So please receive the felicitation on the dais of 7th HFF festival. I request Usha Dutt ma'am to please come upon the dais. Choreographer Jeet Singh sir to please come upon the dais and receive the felicitation on 7th HFF festival. Ek baar zordar taaliyan Jeet sir ke liye. Yes, Jeet Singh sir, please come. The felicitation. I hereby request Sanjeev Gupta sir from the channel of Awaaz to please come upon the dais. Sanjeev Gupta sir to receive the felicitation. Puraskar in March 2018, his name in the we can see it in India Book of Records for World Record Acting Performance under the direction of Padma Shri Professor Vaman Kendre sir. A very big round of applause for Harshal Rani. Dr. Jyoti Jhangiani ma'am to please come upon the dais and receive the felicitation by 7th HFF. Thank you so much Dr. Jyoti Jhangiani for making your fine presence. She is a celebrity tarot card reader by profession. I request Sargam Khan to please come up. She is a renowned actress present between us. Sandeep Suparkar sir for making out time on our stage aur itna patience rakhne ke liye jo aap hum sare awardees ke liye yahan par khade the. On stage zara zordar taaliyan ho jaye please for Jay Sunny, well known magician as well as experimentalist. Come on, here we go audience. Good evening beautiful girls and handsome boys. Good evening. Good evening. Good evening. Kya baat hai, lagta hai aap log thak gaye hain. चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे. उससे सबसे पहले तो मैं आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे तो आप लोगों को मैं मेरा एक्सक्यूज मी प्लीज तो आप लोगों को मैं अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम है जय सनी और मैं एक स्टैंड अप कॉमेडी मैजिशियन हूं.
इतना परिचय देने के बाद में भी आप में से कुछ लोग मेरे बारे में जानना चाहते होंगे कि मैं कौन हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम है जय सनी और मैं हूँ स्टैंड अप कॉमेडी मैजिशियन। आप में से कुछ लोग जो है मुझे पहले से जानते हैं, तो उनको भी एक बार याद दिला दूं, हेलो मेरा नाम है जय सनी और मैं हूँ स्टैंड अप कॉमेडी मैजिशियन। दोस्तों थैंक यू। यस यस, जरा जोर से देखिए, बाबा रामदेव का नाम सुना है ना सबने? बाबा रामदेव कहते हैं कि हमारे जो हाथों की हथेलियां हैं इसके अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं और जितनी हम तालियां बजाते हैं उतना हम स्वस्थ रहते हैं। तो बिल्कुल तालियां बजाइए आप लोग। और वैसे बाबा रामदेव ने एक बात और बोली है कि जो इस जन्म में ताली नहीं बजाएगा उसे अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजानी पड़ेगी। तो अच्छा है कि वो सारा तालियों का कोटा हम इसी जन्म में पूरा कर दे। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने हाथों को आगे लेके आए इस तरीके से और ये हथेलियों को नजदीक लेके आए और जोर जोर से रब करिए अपने हाथों को, हथेलियों को, सबको करना है। मैम आपको भी करना है, आपको भी करना है, आपको भी। यस, कुछ गर्मी महसूस हो रही है? yes. तो आप लोग सुबह 3 बजे से यहाँ, दोपहर 3 बजे से यहाँ पे बैठे